बाबूजी, बाबा जी, बाबूजी नमस्कार। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर के। बाबू जलंधर के, पंजाब। तो यहाँ किस वजह से? मतलब बाबू जी यहाँ गैप ठीक हुआ था, राज करने आए थे, हमारे कागज़ वगैरह बैग वगैरह सब चोरी हो गया, ऐसे पड़े रहते हैं। क्या हुआ है आपके पैर को? जहरीला कीड़ा काट गया था, नीचे काटा था अंगूठे के पास, पूरा जहर फैल गया था पैर में, सारा मांस निकलवाया हुआ है इस जांग से, इस जांग से। आपने इसका इलाज वगैरह नहीं कराया? मेडिकल इलाज बहुत कराया सर, आरएमएल में कराया सर, 5 साल इलाज कराया, 2015 से चल रहा है। तो अब आप इसकी वजह से चल फिर पाते हो? नहीं साहब, मैं जांग से चल फिर पाते हूँ, वो उससे भी नहीं, अब 4 दिन हो गए उससे भी नहीं चल पा रहा। तो आप रहते किसके साथ थे बाबा जी यहाँ पर? नहीं रहते पड़े रहते हूँ। अच्छा, परिवार में कोई यहाँ पर साथ में है? परिवार का परिवार में है, बाबू जी ताने शाही ने सब कुछ खत्म कर रखा है, सपोर्ट करते हैं मगर ताने शाही देते हैं, हमारा दिल नहीं करता जाने में। तो उसके बाद आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हो? मतलब डीलर का काम करता था मैंने, अब तो बाबू जी भीख मांग लेते हैं। पहले काम करते थे? काम लेडीज जेंट्स थे, तो दोनों पैर खराब हो गए तो काम भी नहीं होते। आपका वैसे खाने पीने का गुजारा ये सब कैसे चलता है? तो आपको किस चीज़ की परेशानी है? जिंदगी से झुलस रहे, मर कर करोगे क्या? इतनी प्यारी दुनिया है, जो देखने का एक मौका मिला है भगवान ने इस बार दिया, आगे पता नहीं देगा नहीं देगा क्या, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। मौत को चाहते मौत आती नहीं है, 85 से मौत मांग रहे हैं, मौत आती नहीं है, क्या करें। वायजन भी खा के देख लिया, ट्रेन के नीचे भी आके देख लिया, मौत नहीं आती। ये सुसाइड करना कोई एक बात बोलूँ आपको, सुसाइड करना आप देखिए कि किसी ने पकड़ के मेरी टांग खींच दी थी मेरी ट्रेन के नीचे, पर मैंने बोला जब तक राशन लिखा है ना खाना ही पड़ेगा, जब तक जिंदगी है बितानी पड़ेगी, कैसे भी बिताओ दुख में सुख में रो के हंस के। एक बात बोलूँ, देखो कितनी प्यारी दुनिया है, दुनिया देखने का एक मौका मिला है, तो क्यों नहीं देखते? एक समाज को भी एक अच्छा संदेश जाता है कि आप सबको अच्छा लगता है ना, परिवार इतना अच्छा है कि क्या बताऊँ आपको। दो चीजें इंजीनियर है, भाई CPWD में है, रिटायर्ड हो गया हुआ, बड़ा भाई SHO था, एक्सपायर हो गया, उसका लड़का इंजीनियर है टाटा में, हेड अलग अलग तनख्वाह है, छोड़ करते हैं 5-5 हज़ार रुपये महीने लेते हैं। तो आप लोग अपने परिवार के पास आप क्यों नहीं जाते? मन उठ गया बस फिर से। अगर आप अपने परिवार के पास जाओगे तो वो आपको रख लेंगे? हाँ, लेने आते हैं। तो आपका मन नहीं करता परिवार के पास जाते उनके साथ रहने का? मन भर चुका है, बात ही नहीं करके राजी, उनका फोन ही नहीं सुनता। तो आपने जैसे घर छोड़ा तो कोई कारण था या अपने आप? मतलब कारण ही था जी, कारण क्या था, हमारे चाचा जी का लड़का भतीजा मेरा यहाँ पढ़ने के लिए आया था, डॉक्टरी करने के लिए आया था, उसकी माँ ने मेरी भतीजे से कहलवा दिया कि अगर मेरा आदमी नहीं आएगा तो तू भी नहीं आएगा घर पे। उस लड़की ने मेरे से बोल दिया चाचा जी अगर डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तो तुम भी नहीं आओगे, ठीक है बेटे आज के बाद मिल जाओ, बस यही ताना मेरे को बुरा लग गया। तो परेशानी नहीं होती? आपने घर में ज़िंदगी देखी है, जो आदमी सड़क पर ही पैदा होता है सड़क पर ही रहता है उसकी बात अलग होती है, लेकिन आपने मेरे लिए अपना मकान अलग बना हुआ जलंधर में, 4 मकान भाइयों के यहाँ बने हुए, मेरे डैडी मेरे लिए पंजाब में बना के गया, जो जद्दी पिछली जगह थी ना अभी उसमें मेरे को लेंटर डाल के मकान बना के भेजा गया, 2 कमरे है, एक दुकान है, सोई लाइटिंग बाथरूम सब कुछ बना हुआ है, मन भर गया गया ही नहीं, ताना लगा हुआ बस। कुछ खाओगे अभी? चाय पियोगे? चाय पियोगे? चाय ला देता हूँ, चाय पियो। हम आसपास कोई डॉक्टर देख लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, फिर करवाते हैं आपका आज इलाज। बाबा हो गई हमारी मेडिकल में बात, लेकिन इस कंडीशन में नहीं जा सकते, पहले निलवा के कपड़े दिलवा दे फिर चलेंगे।
ठीक है ना, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं, आराम से नहा धो लो, कपड़े हम लाए हैं आपके, वो कपड़े पहन लेना। लाओ मुझे दे दो, नहीं मैं पकड़ लेता हूँ। परेशानी तो नहीं हो रही आपको? नहीं नहीं नहीं, बस आराम आराम से चलो। इसमें एक जोड़ी कपड़े हैं, इसे अपने बैग में रख लो। आ जाओ भाव जी, कब से हो रहा है ये? 5 साल के पहले कराया था, 2015 दिसंबर का है, ड्राफ्टिंग कराया था। अच्छा, अच्छा नहीं रहती है सर। कहाँ कराया था? अरे मैं ऐसे इन्फेक्शन नीचे गया, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पस बन गई, यहाँ का ऑपरेशन किया, फिर इधर का किया, फिर नीचे का किया। ये ऑपरेशन भी वहीं आरएमएल में हुआ है? आरएमएल में सारे। अच्छा, ये ऑपरेशन कितने दिन पहले हुआ आरएमएल में? ये 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। कोई नशा वगैरह आप करते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह? क्या लेते हैं नशे में? हाँ जी, शराब पीते हैं। शराब पीते हैं? दारू पीते? शराब पीते हैं आप? जब दर्द ज़्यादा होती है ना तब। नहीं तो पेन जो खानी पड़ती है सर। अच्छा, वैसे कोई दवाई वाई इस टाइम मेडिसिन खा रहे हैं आप? नहीं सर। ऐसा है, अगर इस पैर को ठीक करना है आपको तो सर इनको ड्रिंक रोकना होगी। वो तो रोक, वरना पैर कट जाएगा। ये तो कटने की नौबत कटने के करार पर है। ये इन्फेक्शन है, देखना ये है कि कितना है, कहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? क्या कह रहे सर, मुझे ठीक तो अच्छी बात है। डॉक्टर, इसको कोई ड्रेसिंग वगैरह की ज़रूरत है? प्लीज़, ड्रेसिंग भी होगी प्लस कुछ इंजेक्शन भी लगाए जाएंगे, ठीक है, और थोड़ी मेडिसिन चलेगी। ठीक तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसी कंडीशन में कि एक दिन दवाई खा ली या एक दिन डॉक्टर को दिखा दिया, कोई भी हॉस्पिटल में, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, और फिर ये खुद की लापरवाही की वजह से ये कंडीशन ऐसी हो जाती है। और कोई इसमें डॉक्टरों का कोई दोष नहीं है, जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ अब तक, ठीक है। नहीं नहीं, वो डॉक्टरों का दोष नहीं, वो उसमें लापरवाही होने की वजह से ही, लापरवाही की वजह से ही सब। तो अगर लापरवाही, फिर दूसरी चीज़ पीछे जो होती है, और मेल्स में आप जानते हैं कि खुजाना जब होता है तो फिर उसकी वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन। ये सारा खेल इन्फेक्शन का है। तो ये थोड़ी सी दवाई है, इस दवाई को आप ले लीजिएगा मेडिकल से, बाकी कुछ दवाई मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। ड्रेसिंग किससे हो रही है मैंने इस पर लिख दिया है। कोई इशू, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बाबा डॉक्टर का पर्चा है, ठीक है, ये उसने लिख दिया है आपकी किस चीज़ से पट्टी हुई है, ये उसने दवाई दी थी, ये दवाई हम ले आए हैं। ये डॉक्टर का एड्रेस है, ठीक है, परसों को फिर पट्टी करवाने जाना है, ठीक है, ये दवाई रखो। ₹1000 रख लो, पट्टी वगैरह करानी होगी, सब काम करना होगा, तो अपना पट्टी वगैरह करा लेना डॉक्टर से, ठीक है। बाबा डॉक्टर ने बोला है कि अब आपको शराब नहीं पीनी। नहीं पीएगा सर, नहीं पीएगा, कुछ कह नहीं पीएगा। पक्का नहीं पियोगे? नहीं जाएंगे, चले जाएंगे।
अगर अगर बाबा अब आपने शराब पी ना तो ये पैर काटना पड़ जाएगा, मुझे बहुत दुख होगा अगर ऐसा नहीं, नहीं, आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचे, आपका विश्वास आती होगा पक्का नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे सर। ये आज रात का आपका खाना रहेगा, खाली पैक है, ठीक है। चावल उसने मना करे थे डॉक्टर ने, तो मैंने चावल नहीं डलवाए हैं इसमें, रोटी है केवल। और उन्होंने बोला अब आपको जूस पीना है, तो ये जूस है, खा पी लेना बाबा। बस शराब मत पीना प्लीज, बाबा कैसा लगा आपको आज हमारे साथ पूरा दिन? बहुत अच्छा लगा, कौन इतना बात तो करता है, अंदर इंसानियत है, अपनापन है। बस आप लोगों के आशीर्वाद के लिए ही हम ये सब काम करते हैं। मालिक आपको हर मंजिल पे तरक्की दे। ठीक है बाबा हम चलते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सार्थक शर्मा। गाइस जैसा कि आपने देखा, ये अंकल जी इतने हर्ट हो गए कि इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद कभी लौट कर घर नहीं गए। गाइस प्लीज अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उन्हें कोई भी ऐसे अपशब्द या ऐसे इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट ना करें कि उनकी भावनाएं आहत हों और उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़े। गाइस आशा करते हैं आपको हमारा काम पसंद आया होगा, अपना प्यार हमारे ऊपर इसी तरह से बनाए रखें। और दोस्तों अगर आप हमें कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें तो उसकी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप हमें वहां से डायरेक्ट सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली।